अल्लाह स्टूडेंट्स वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड आज की वीडियो में हम एम टी एच टू जीरो टू यानी डिस्क्रीट मैथ की असाइनमेंट नंबर टू सॉल्व करेंगे जिसमें आपका जो सिलेबस है वो लेक्चर नंबर थर्टी से थर्टी सिक्स तक है और टोटल इसके टेन मार्क्स हैं टू क्वेश्चन इसके अंदर आपको दिए हुए तो इंस्ट्रक्शन आप लोगों ने पढ़ लेनी है उसके बाद हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पर चलते हैं बग़ैर टाइम ज़ाया किए ये हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर वन जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि फ़ाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड मिसिसिपी और इस वर्ड को यूज़ करते हुए आपने जो है वो फाइंड करना है कि कितने वर्ड्स हम फाइंड कर सकते हैं इसको रिप्लेस करके यानी एम आगे पीछे कर दें ये एस की पोजीशन चेंज कर दें ठीक है पी की पोजीशन चेंज कर दें यानी वर्ड्स को आगे पीछे करके हम कितने लेटर्स यहाँ से हम मज़ीद वर्ड्स सॉरी फाइंड कर सकते हैं तो सबसे पहले आपने ये अपना वर्ड जो था वो लिखा और इसमें अब टोटल कितने नंबर्स आ रहे हैं या कितने लेटर्स कितने अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं तो वो हमने यहाँ पे लिख ले हैं जैसे एन इज़ इक्वल टू अलेवन तो यहाँ पे टोटल अलेवन थे तो इसलिए हमने एन की वैल्यू अलेवन लिख ली उसके बाद बारी बारी अब आपने हर लेटर देखना है कि कितनी दफ़ा आ रहा है जैसे सबसे पहले एम देखें एम लिखा हमने एम क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक दफ़ा आ रहा था तो एम के सामने हमने वन लिख दिया उसके बाद आई है तो आई यहाँ पे फोर टाइम्स आ रहा है इसके अंदर तो आई के सामने फोर लिख दिया आई के बाद एस की बारी आती है यहाँ पर तो एस जो है वो चार दफ़ा आ रहा है तो एस इज़ इक्वल टू फोर और एस के बाद फिर आई है तो ये हम लिख चुके हैं ऑलरेडी अब पी पे चलते हैं तो पी दो दफ़ा आ रहा है तो ये टोटल चार लेटर्स थे जो बार बार रिपीट हो रहे थे और जितनी दफ़ा रिपीट हो रहे थे हमने वो लिख लिया अब जब हमने वर्ड्स इसके फाइन फैन फैन करने हैं। तो कैसे फाइंड करने है? इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है n फैक्टोरियल ओवर एन वन फैक्टोरियल एन टू फैक्टोरियल एन थ्री फैक्टोरियल तो ये एन वन एन टू एन थ्री एन फोर हमें दिए हुए हैं और n ऊपर दिया हुआ है तो जो n होता है वो हम ऊपर रखते हैं एलेवन फैक्टोरियल ओवर नीचे m का क्योंकि वन था तो वन फैक्टोरियल आ जाएगा यहां पर आई का फोर फैक्टोरियल हो जाएगा एस का भी फोर फैक्टोरियल हो जाएगा और पी के लिए हम टू फैक्टोरियल लिख रहे हैं फैक्टोरियल ओपन कर लेते हैं एलेवन फैक्टोरियल फैक्टोरियल का मतलब बेसिकली क्या होता है कि आपने एलेवन जैसे फैक्टोरियल लिखा हुआ है ना तो एलेवन और उससे पीछे वाले सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है यानी एलेवन डॉट टेन डॉट नाइन डॉट सेवन एट सॉरी नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन तक जाता है ये ठीक है लेकिन नीचे हमें फ़ोर फैक्टोरियल दिया हुआ है तो इसलिए मैंने इसे सिर्फ फ़ोर तक ओपन किया है उसके बाद ओपन नहीं किया ताकि ये फोर और फोर कैंसिल हो जाए तो एक फ़ोर नीचे से भी मैंने ओपन नहीं किया बाकी सबको ओपन कर दें बेशक इस वन का फैक्टोरियल तो वन ही होगा फोर का हमने फ़ोर डॉट थ्री डॉट टू डॉट वन लिख लिया ये फ़ोर हमने ओपन नहीं किया क्योंकि इसको हम कैंसिल कर देंगे ऊपर और नीचे टू फैक्टोरियल को हम टू डॉट वन लिख लेंगे उसके बाद अब यहाँ पे फोर फैक्टोरियल जो था वो तो हमने उसकी कटिंग कर दी इसकी और इस फोर फैक्टोरियल की तो बाकी जो नंबर्स बचे वो हमने लिख लिए ऊपर वाले सारे नंबर्स को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें नीचे वाले सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो टोटल वर्ड्स जो बन सकते हैं इसको यूज़ करते हुए मिसी uh, को वो थ्री फोर सिक्स फाइव ज़ीरो है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो क्या है फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग अ टीम ऑफ एलेवन प्लेयर्स फ्रॉम द फोटीन प्लेयर्स इफ़ द कैप्टन इज मस्ट टू बी इंक्लूडेड इन द टीम यानी टोटल अगर आपके पास फोर्टीन प्लेयर्स हैं और आपने ग्यारह प्लेयर्स की एक टीम बनानी है और किस कितने तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी टीम जबकि कैप्टन का होना ज़रूरी है तो जो टोटल फोर्टीन थे उसमें से एक तो कैप्टन हमने लेना है ठीक है तो पीछे रह जाएंगे थर्टीन और जो एलेवन प्लेयर्स हैं उनमें से एक कैप्टन क्योंकि फिक्स हो गया है तो पीछे टेन लोग मज़ीद हमने चूज़ करने हैं आउट ऑफ थर्टीन तो हमने यहाँ पर जो कम कॉम्बिनेशन uh, यूज़ करना है वो हम टेन लोगों का यूज़ करेंगे फ्राम थर्टीन प्लेयर्स ठीक है तो जो एन सी आर है उसका फॉमूला पहले मैंने मैंशन कर दिया है कि अगर ऊपर एन हो और नीचे सी हो तो एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है और बाहर आर का अलग से भी फैक्टोरियल आता है तो यहाँ पे हमारे पास एन की वैल्यू थर्टीन होगी और आर की टेन होगी तो थर्टीन सी टेन हमने लिखा तो एन की जगह थर्टीन फैक्टोरियल ओवर टेन फैक्टोरियल इन टू थर्टीन माइनस टेन इस एन की जगह थर्टीन लिख दिया इस आर की जगह टेन लिख दिया थर्टीन माइनस टेन जो है वो थ्री हो जाएगा बाकी थर्टीन और टेन हमने एज़ इट इज़ लिखा अब थर्टीन को हमने ओपन करना है उस पीछे की तरफ थर्टीन फिर ट्वेल्थ फिर एलेवन फिर टेन पे मैंने स्टॉप कर दिया क्योंकि नीचे भी टेन आ रहा था तो ये टेन और टेन कैंसिल हो जाएंगे और नीचे जो थ्री बचा है उसको आप मज़ीद खोल लें थ्री डॉट टू डॉट वन कटिंग करना चाहते हैं तो कटिंग कर लें वरना ऊपर वाले सारे नंबर्स आपस में और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई करें दोनों को डिवाइड करें तो टू एटी सिक्स यहाँ पे आंसर आ रहा है यानी टू एटी सिक्स तरीके तरीकों से टू ए सिक्स वेज से हम टेन जो प्लेयर्स हैं उनको सेलेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ थर्टीन प्लेयर्स तो इस तरह से ये दोनों आपके ईजी से क्वेश्चन है कोई इनमें ज़्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन भी नहीं है और ना ही कोई ज़्यादा डिस्कशन है तो अगर आपको फिर भी अगर समझ नहीं आई किसी पॉइंट की तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं थैंक यू